तो यहाँ पर काफी सारे बंदे अभी तक कॉन्कर कर रहे हैं, ये तो मेरे को पक्का कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कभी तक, मतलब ये समझ लो कि भाई बहुत सारे बंदे अभी तक रैंक पुश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे यहाँ पर कॉन्कर हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे बंदों के डाउट रखते हैं कि भाई मेरा कॉन्कर होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं आपको बता दूँ, अगर डायमंड या क्राउन पे हो तो भाई मेरी राय मानो कि भाई कॉन्कर मत करो, वो करके यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अगर करना है, इतना टाइम वेस्ट भी करना है, मतलब तुमको कॉन्कर के लिए खेलना है ना, तो भाई नेक्स्ट सीजन करना है, मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूँ। 5 दिन में अगर एस कर लेते हो, ये उससे 6-7 दिन 8 भी दिन जा सकते हैं, एस कर लोगे तो कॉन्कर तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा मेहनत मत करो अभी क्राउन वाले, और यहाँ पर एस पे हो तो भाई 100% में से 50% कॉन्कर हो सकते हैं। तो उसके लिए 50% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चाहिए। आप यहाँ पर मेरी राय मानोगे तो जो एस मास्टर डोमिनेटर वाले हैं, या फिर मतलब 4,500 या 600 पॉइंट जिसके भी है, तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है, तो उसका यहाँ पर इजी कॉन्कर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना और यहाँ पर जल्दी से कॉन्कर कर लो। और यहाँ पर और भी बंदों को डाउट है कि मेरे को यहाँ पर कॉन्कर कितने पॉइंट पे मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो ये देखो यहाँ पर आपको कॉन्कर मिल जाएगा अभी कम से कम 5,500 या 550 पॉइंट कर लोगे तो आप लोग को यहाँ पर कॉन्कर मिल जाएगा, इस बात को याद रखना। आप बढ़ते हैं यहाँ पर गैम्बलिंग के ऊपर, तो मैं आता हूँ सीधे इवेंट पे। इवेंट पे यहाँ पर 3 किल निकलता हूँ, उसके बाद मरने के बाद ना मैं सीधे कूदता हूँ यसना वाला बिल्डिंग पे, जो कि ब्लू वाली बिल्डिंग रिकॉर्ड के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पर कूदने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा होता है, तो भाई मैं सोचता हूँ इसको बंदे को जैसे जैसे मुझे बस कैसे भी करके मारना है। अगर मैं अब मरा तो भाई मेरा बहुत ही गंदा माइनस लगने वाला है। इस बंदे को मैं तुरंत मारता हूँ, जैसे जैसे बंदे को मारने पर मेरे को सामने कार स्पॉट होती है, कार लेके सीधे मैं निकलता हूँ और बंदों पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर किल चाहिए था, क्योंकि अच्छा से गेम प्ले तो भाई निकालना ही होता है। मेरे को सामने बग्गी स्पॉट होती है भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, मॉन्स्टर ट्रक और एक मारा बिराडो भाई, इतना गंदा कार है ना, इतनी गंदी गोली चिपकती है, वो आप लोग कभी नोटिस करना, ठीक है। तो मैं आपको बग्गी अच्छी लगती है तो मैं बग्गी लेता हूँ, और बग्गी लेके इवेंट के पास निकलता हूँ, तभी यहाँ पर 2 बंदे ऑलरेडी फाइट चल रही थी। और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना पूरे, मतलब ये समझ लो कि मेरी यहाँ पर पूरी लूट कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ भी जो पावर अवर मैं सब कहाँ कुछ ले चुका था। अब यहाँ पर मैं बग्गी लेके फिर से आगे निकलता हूँ और बंदों को स्पॉट करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 किल तो हो गए थे, 2-3 किल और मिलेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में तो यार कैसे भी करके चिकन तो निकाल ही लेंगे। अब जैसे मैं स्कूल के साइड पर आता हूँ, अब तुम यहाँ पर तुम ये देखना स्कूल की साइड पर नहीं, इस बंदे को तो पहले मार देते ईजी, पर जो फाइट होने वाली है अपार्टमेंट पर, उसको मिस मत करना, क्योंकि वो वाली फाइट ना बहुत ही मस्त होने वाली है। तो पहले तो मैं यहाँ पर बंदे का फुट सुनता हूँ कि बंदा है कहाँ, क्योंकि भाई मुझे डर था कि उसके पास भी यहाँ पर शॉटगन हो सकती है, और सीरियसली बोल रहा हूँ इस बंदे के पास शॉटगन निकलती भी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर बंदे को कंफ्यूज करता हूँ कि मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस बंदे को पैनिक करना था, क्योंकि इस बंदे के पास भी यहाँ पर रिकॉल नहीं था। भाई इस बंदे को आखिर में अगर मैं मार दूँ, मैं जैसे बोला था कि शॉटगन हो सकती है, तो भाई भाई के पास भी यहाँ पर शॉटगन थी। अब यहाँ पर इसको डीवीएस मेरी पहले पड़ जाती है। बंदे को मारने के बाद मैं बग्गी निकालता हूँ, बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ अपार्टमेंट पे। अब जैसे मैं अपार्टमेंट पर निकल रहा हूँ, पर यहाँ पर तुम अब देखो जो मज़ा आने वाला है ना, वो तुमको अब आने वाला है। अब यहाँ पर मेन बिल्डिंग में बंदा होता है, मुझे यहाँ पर फुट तो आ चुका था बंदे का, जैसे मैं यहाँ पर इस बंदे को डैमेज देता हूँ, मैं तुरंत इस बंदे पर तुरंत पुश करता हूँ। और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना मेरी यहाँ पर जो लूट होती है, जो कि पावर वाली मेरे को जो बेस्ट पावर लगती है, वो मेरे को यहाँ पर मिल जाती है। तभी ना सामने एक और बंदा होता है, तो मैं पहले बूस्ट करता हूँ और पावर को यूज करने के बाद सीधे उस बंदे पर निकलता हूँ। अब इस बंदे से जो बहुत ही लंबी फाइट चलने वाली है, जो कि मैं आपको पहले बोल रहा था, वो देखना बस। मुझे लगा भाई यहाँ पर डीवीएस को चुपका दूँ, पर भाई इसने बंदे ने मेरे को अच्छी खासी एचपी डाउन कर दी थी, तो मैं यहाँ पर फुल टू फुल टीपी भी लिखता हूँ और हेल्थ लगाने लगता हूँ। लगता है बंदा पुश करेगा, बंदे ने मेरे पर पुश नहीं करा।
अब जैसे मैं यहाँ पे बंदे पे पुश करता हूँ, ये बंदा भाग जाता है ऊपर की साइड। अब मैं फिर भी यहाँ पे मतलब बंदा मानता नहीं है और बंदे के ऊपर मैं फिर भी यहाँ पे पुश करता हूँ, ठीक है। और बंदे को जैसे पुश करता हूँ ना, उसी उस टाइमिंग में उस बंदे ने यहाँ पर अपने पावर को यूज कर दिया था। ये देखो, वाह, मैंने कहा बंदा बहुत ही लंबी फाइट करने वाला, तुम बस देखते जाना। यहाँ मेरी एचपी डाउन हो गई जल्दबाजी के चक्कर में, तो मैं यहाँ पे मेडिकेट मारता हूँ। और ये बंदा ना मेन बिल्डिंग पे पहुंच चुका था। अब मैं मेन बिल्डिंग में बंदे पे पुश करता हूँ। अब जो इस बंदे को मैं मारने वाला हूँ ना, तुम बस वो देखना। बंदा भी यहाँ पे सॉब हुआ था कि इसके साथ ना ये हुआ क्या। भाई यहाँ पर क्या ही बंदे को मारा था, मजा आ चुका था। मैंने कहा कि मोड रखिए भाई, तुमने हद कर दी, इतना कौन बताता है मेरे भाई। अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना, जो मेरे किल हो चुके थे वो 8 किल हो चुके थे, मेरे पे अच्छे खासे टोकन भी हो चुके थे। मैं तुरंत बग्गी लेके निकलता हूँ रोजो वाले शॉप पे कि मुझे वहाँ पर ना फ्लेयर चाहिए थी, तो फ्लेयर निकल निकलता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई बंदा बैठा ना हो, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तुरंत मैं यहाँ पर फ्लेयर लेता हूँ और फ्लेयर लेने के बाद बग्गी आगे ले जाता हूँ और यहीं पर मैं फ्लेयर को चला देता हूँ। ओके, यहाँ पर सर्कल नहीं था और बग्गी लेके सीधे ब्लू वाली बिल्डिंग में यहाँ पर फोल्ड करता हूँ। अब मुझे कंफर्म था कि मैं यहाँ पर कैसे भी करके चिकन तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना 8 किलो चुके थे। ऊपर से भाई मेरे पे बीआरडीएम थी, तो जैसे ही मेरी बीआरडीएम आती है मैं बीआरडीएम लेके आगे निकलता हूँ। और मैं अभी यहाँ पर सर्कल में घुसने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि तुमको पता है जो बंदा सर्कल में होगा और जो घर होगा उसके ऊपर कवर अच्छा हुआ ना, तो वो बंदा पक्का 100% होता है कि बीआरडीएम को फोड़ने का फुल टू फुल ट्राई करेगा। तो मैं सोचता हूँ भी यहीं पे होल्ड करूँगा काफ़ी देर। यहाँ पर होल्ड करने बाद जैसे सर्कल आगे जाता है तो मैं और आगे निकलता हूँ। तो आगे आने के बाद मैं सोचता हूँ कि यहीं पे होल्ड करता हूँ। अब तुम यहाँ पर तुम जिस सीन देखना भाई, क्या ही खतरनाक सीन होने वाला है ना, वो देखना। यहाँ पर होल्ड करा तभी ना मेरे को यहाँ पर एक बाइक का साउंड आता है। अब बाइक वाले के साथ जो सीन हुआ ना भाई, किसी के साथ ऐसा तो बिल्कुल ना हो। भाई ने यहाँ पर काफ़ी सारा ट्राई करा सर्कल में आने के लिए और भाई यहाँ पर लास्ट में आके मर जाता है। यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना, जैसे यहाँ पर होल्ड कर रहा होता हूँ तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि मिराडो लेके, पता नहीं फाइट लेने के लिए आया था क्या लेने के लिए आया था, तो मैं इसका पीछे करता हूँ। तो मुझे लगा बंदा फाइट लेगा पर वो आगे निकल जाता है, तो मैं भी यहाँ पीछे भी बीआरडीएम करता हूँ एंड सेव करके यहीं पे होल्ड करता हूँ। तभी मेरे को यहाँ पे फिर से इस मिराडो वाले का ना साउंड आता है। अब यहाँ पे मैं इसको हल्का फुल्का डैमेज देने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मैं सीधे इस बंदे पर रश कर देता हूँ। अब जो ओवर कॉन्फिडेंस है पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी लग नहीं रहता कि मैं इस बंदे को मार दूंगा। मैंने सोचा गलती कर दी उस बंदे पे जाने के बाद, पर भाई सबसे अच्छी बात थी कि उस बंदे को मैंने यहाँ पर डीवीएस चिपका दिया था। बंदे को मारने के बाद फिर से मैं बेड में बैठ जाता हूँ, यहाँ पर हीलिंग करता हूँ एंड यहाँ पर काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ। होल्ड करने पर जब सर्कल आगे निकलता था तो मैं भी यहाँ पर सर्कल में निकलता हूँ। अब जो सर्कल जा रहा था वो पूरा का पूरा सीधे इवेंट पर सर्कल जा रहा था, तो मैं यहाँ पर कैसे सोचता हूँ ना अपने बीआरडीएम ना सीधे इवेंट पर घुसेर देता हूँ। तो जैसे मैं बीआरडीएम को मतलब इवेंट पर घुसेरता हूँ तब यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन बंदे यहाँ पर बीआरडीएम को फोड़ने लगते हैं। मैं यहाँ पर तुरंत ऊपर निकलता हूँ और जो बंदा मैं जिस बॉक्स में बैठा था, तो मैं सोचता हूँ वहाँ पर अगर नेट मेरा परफेक्ट चला देगा ना तो मैं इस बंदे को यहाँ पर इजी मार दूंगा। तो
जैसे यहाँ पे एक और नीड करने के लिए ट्राई करता हूँ, तब यहाँ पे दूसरा बंदा मेरे को यहाँ पर डैमेज देता है। अब यहाँ पे भाई बहुत ही गंदा मैं फंस चुका था। एक लास्ट ऑप्शन था कि मैं नीचे जंप कर दूँ, अगर बंदा होगा तो फाइट ले लेंगे, पर सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं था। तो मेरे को राइट में एक और बॉक्स था ना, उसमें मुझे बंदे का साउंड आ रहा था, तो यहाँ पर मैं तुरंत उस बंदे पर यहाँ पर नीड करता हूँ। अब यहाँ पर एक और लास्ट नेट करूंगा, अगर ये नेट से बंदा फूटेगा तो ठीक है, वरना मैं इस बंदे पे पुश कर दूंगा। और यहाँ पर तुरंत इस बंदे को डीवीएस मारता हूँ ना भाई, मजा आ चुका था। इस बंदे को मारने के बाद तुरंत मैं आगे निकलता हूँ, क्योंकि वहां पर दो बंदों की फाइट चली थी, तो मैं सोचता हूँ एक ना एक बंदे को यहाँ पर मतलब नेट से फोड़ दूंगा। तो यहाँ पर पहले मैं एक नेट करता हूँ, अब यहाँ पर मैं फिर से एक और नेट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक और नेट करता हूँ, तभी यहाँ पर बंदा सामने वाला जंप करने लगता है। तो मैं समझ गया था भाई यहाँ पर बंदा मीटअप वाला है, तो भाई से मैं यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करता हूँ। ओ जैक ब्रो, सब्सक्राइबर ब्रो, अब भाई से यहाँ पर काफ़ी सारी बात करने के बाद लास्ट में डिसाइड होता है कि हम लोग पंच फाइट करेंगे। और भाई यहाँ पर सीरियसली बोल रहा हूँ, काफ़ी देर तक पंच फाइट होने के बाद मैं मर जाता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, गाइस चलता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।